हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीति काल के महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों की, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रीति काल की सही समय सीमा है? सही उत्तर है संवत 1700 से 1900 तक। अगला प्रश्न, रीति शब्द का सही अर्थ है? सही उत्तर है काव्यांग निरूपण। अगला प्रश्न, रीति काल को श्रृंगाल काल किसने कहा है? सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न, उत्तर मध्य काल का नामकरण अलंकृत काल किसने किया? सही उत्तर है मिश्र बंधु। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को सर्वप्रथम रीति काल किसने माना? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल किसने कहा है? सही उत्तर है डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल। अगला प्रश्न, रीति काल की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है रीति काल में प्रकृति का आलंबन के रूप में वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है? सही उत्तर है कलाकाल। अगला प्रश्न, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सही उत्तर है वामन। अगला प्रश्न, रसा स्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा? सही उत्तर है भट्ट नायक ने। अगला प्रश्न, भंगी भनीति को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया? सही उत्तर है कुंतक ने। अगला प्रश्न, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? सही उत्तर है आनंदवर्धन। अगला प्रश्न, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं? सही उत्तर है कुंतक। अगला प्रश्न, रीति रात्मा काव्यस्य किसकी उक्ति है? सही उत्तर है वामन। अगला प्रश्न, अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य हैं? सही उत्तर है केशवदास। अगला प्रश्न, बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में किसने लिखा? सही उत्तर है केशवदास ने। अगला प्रश्न, चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक माना है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, वर्णो रीति स्वभाव ज्यो वृत्ति वृत्ति सीमित कथन किसका है? सही उत्तर है चिंतामणि। अगला प्रश्न, देव कवि ने रीति को कहा है? सही उत्तर है काव्य का द्वार। अगला प्रश्न, रीति सुभाषा कवित्त की वर्णत बुद्ध अनुसार उक्ति किसकी है? सही उत्तर है चिंतामणि की। अगला प्रश्न, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति पंक्ति से रीति शब्द के किस अर्थ की अभिव्यक्ति हुई है? सही उत्तर है काव्य रचना पद्धति। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य हैं? सही उत्तर है केशवदास। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, रीतिकालीन काव्य धारा नहीं है? सही उत्तर है रीतिभुक्त। अगला प्रश्न, रीति काव्य का प्रमुख विषय है? सही उत्तर है श्रृंगार। अगला प्रश्न, रीति काव्य का मूल स्रोत है? सही उत्तर है संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। अगला प्रश्न, काव्य शास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? सही उत्तर है रीतिबद्ध के अंतर्गत। अगला प्रश्न, रीति सिद्ध कवि किसे कहा गया है? सही उत्तर है जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा किंतु अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया। अगला प्रश्न, रीति काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत किसने कहा? सही उत्तर है मार्कंडेय वाजपेयी ने। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का आरोप किस आलोचक ने लगाया है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, रीति काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है? सही उत्तर है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। अगला प्रश्न,
रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? सही उत्तर है चिंतामणि। अगला प्रश्न, रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं? सही उत्तर है बिहारी। अगला प्रश्न, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? सही उत्तर है रीति मुक्त। अगला प्रश्न, सर्वांग निरूपक ग्रंथ है? सही उत्तर है शब्द रसायन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है सी। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि द्वारा, शब्द रसायन देव कवि द्वारा, काव्य निर्णय भिखारी दास द्वारा, रस पीयूष निधि सोमनाथ द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है डी। रसिक प्रिया केशव दास द्वारा, काव्य प्रकाश चिंतामणि द्वारा, ललित ललाम मथिराम द्वारा, रस रहस्य कुलपति मिश्र द्वारा। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म असंगत है? सही उत्तर है कवि प्रिया बोधा द्वारा। अगला प्रश्न, हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर है छंदोर्णव पिंगल। अगला प्रश्न, सर्वांग निरूपक ग्रंथ रस रहस्य के रचनाकार हैं? सही उत्तर है कुलपति मिश्र। अगला प्रश्न, रीतिकाल के कवि नहीं है? सही उत्तर है नाथुराम शर्मा शंकर। अगला प्रश्न, भूषण की कविता का प्रधान स्वरूप है? सही उत्तर है प्रशस्ति परक। अगला प्रश्न, भूषण का वास्तविक नाम था? सही उत्तर है घनश्याम। अगला प्रश्न, भूषण कवि की उपाधि है, यह उपाधि किसने दी? सही उत्तर है सोलंकी राजा रुद्र। अगला प्रश्न, भूषण के काव्य में प्रधानता है? सही उत्तर है ओजगुण तथा वीर रस। अगला प्रश्न, रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि हैं? सही उत्तर है भूषण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है? सही उत्तर है भिखारी दास कृत श्रृंगार निर्णय। अगला प्रश्न, सर्वरस विवेचक ग्रंथ सुधा निधि के रचनाकार हैं? सही उत्तर है तोस कवि। अगला प्रश्न, नायिका भेद ग्रंथ है? सही उत्तर है देव कवि का जाति विलास। अगला प्रश्न, भूषण किस काव्य धारा के कवि हैं? सही उत्तर है रीतिबद्ध। अगला प्रश्न, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? सही उत्तर है काव्य निर्णय। अगला प्रश्न, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का उल्लेख मिलता है? सही उत्तर है 105। अगला प्रश्न, अलंकार विवेचन में भूषण ने किसे आदर्श माना है? सही उत्तर है मतिराम के ललित ललाम को। अगला प्रश्न, औरंगजेब के दरबारी कवि का नाम है? सही उत्तर है कालिदास त्रिवेदी। अगला प्रश्न, वधू विनोद के रचनाकार हैं? सही उत्तर है कालिदास त्रिवेदी। अगला प्रश्न, राम कैसो जस अध उरद गगन है सेनापति ने इस पंक्ति में कहा है? सही उत्तर है शरद पूर्णिमा की चंद्र ज्योत्सना की उपमा दिगंत व्यापी रामचंद्र के यश से दी है। अगला प्रश्न, कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्प द्रुम के रचनाकार हैं? सही उत्तर है सेनापति। अगला प्रश्न, हिंदी नवरत्न के रचयिता हैं? सही उत्तर है मिश्र बंधु। अगला प्रश्न, अलक शतक और तिलक शतक के रचयिता कौन हैं? सही उत्तर है मुबारक बिलग्रामी। अगला प्रश्न, भाव विलास किसकी रचना है? सही उत्तर है देव। अगला प्रश्न, नायिका भेद प्रतिपादित करने वाली रचना पहचानिए। सही उत्तर है श्रृंगार मंजरी। अगला प्रश्न, किस कवि ने भक्ति श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है? सही उत्तर है पद्माकर ने। अगला प्रश्न, जगत विनोद के रचयिता कौन का नाम है? सही उत्तर पद्माकर। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस का सार ग्रंथ किसे कहा गया है? सही उत्तर है जगत विनोद। अगला प्रश्न, पद्माकर ने किसके अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया था? सही उत्तर है सरदार अदाजी। अगला प्रश्न, पद्माकर का अलंकार ग्रंथ है?
सही उत्तर है पद्माभरण। अगला प्रश्न, पद्माकर की वह रचना जो दोहा चौपाई छंद में है। सही उत्तर है राम रसायन। अगला प्रश्न, पद्माकर का वीर रस प्रधान ग्रंथ है। सही उत्तर है हिम्मत बहादुर विरुद्धावली। अगला प्रश्न, जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबारी कवि थे। सही उत्तर है पद्माकर। अगला प्रश्न, उज्ज्वल नीलमणि का विषय क्या है। सही उत्तर है श्रृंगार। अगला प्रश्न, कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता है। सही उत्तर है रसनिधि। अगला प्रश्न, रीतिमुक्त कवि हैं। सही उत्तर है द्विजदेव। अगला प्रश्न, रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया। सही उत्तर है मुक्तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं में से सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना कौन सी है। सही उत्तर है गाथा सप्तसती। अगला प्रश्न, रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ है। सही उत्तर है कविकुल कल्पतरु। अगला प्रश्न, बूंदी नरेश भाव सिंह के दरबारी कवि थे। सही उत्तर है मतीराम। अगला प्रश्न, रीतिकालीन काव्य की सर्व प्रमुख भाषा है। सही उत्तर है ब्रज। अगला प्रश्न, मतीराम के अलंकार विवेचन में किसका अनुकरण लक्षित है। सही उत्तर है अप्पय दीक्षित। अगला प्रश्न, मतीराम द्वारा रचित छंद निरूपक ग्रंथ है। सही उत्तर है वृत्त कौमुदी। अगला प्रश्न, मतीराम की भाषा है। सही उत्तर है साहित्यिक ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, अंग दर्पण के रचयिता हैं। सही उत्तर है रसलीन। अगला प्रश्न, विरह वारिस किसकी रचना है। सही उत्तर है बोधा। अगला प्रश्न, कविकुल कंठाभरण के रचयिता कौन है। सही उत्तर है दूलह। अगला प्रश्न, प्रबोध पचासा के रचनाकार हैं। सही उत्तर है पद्माकर। अगला प्रश्न, द्रोण पर्व किसकी रचना है। सही उत्तर है कुलपति मिश्र। अगला प्रश्न, रीतिबद्ध कवियों से घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि। सही उत्तर है वह स्वानुभूत और रीति मुक्त है। अगला प्रश्न, इश्कलता के रचनाकार हैं। सही उत्तर है घनानंद। अगला प्रश्न, रस का साक्षात अवतार किसे कहा गया है। सही उत्तर है घनानंद। अगला प्रश्न, रीतिमुक्त कवियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। सही उत्तर है इनका प्रेम उभय पक्षीय था। अगला प्रश्न, घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु जी ने किस ग्रंथ में प्रकाशित कराया था। सही उत्तर है सुंदरी तिलक। अगला प्रश्न, घनानंद के काव्य की प्रेरक शक्ति थी। सही उत्तर है सुजान। अगला प्रश्न, घनानंद काव्य का सर्वप्रथम संकलन किसने किया। सही उत्तर है ब्रजनाथ। अगला प्रश्न, घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन किसने किया। सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न, घनानंद की किस कृति में पंजाबी और उर्दू शब्दों की भरमार है। सही उत्तर है इश्कलता। अगला प्रश्न, सुजान सागर के रचयिता हैं। सही उत्तर है घनानंद। अगला प्रश्न, घनानंद की वह कृति जिसमें कृष्ण के नाम पत्र लिखकर ब्रजवासियों की ओर से उन्हें अनेक उलाहने दिए गए हैं। सही उत्तर है प्रेम पत्रिका। अगला प्रश्न, घनानंद की किस कृति में कृष्ण लीलाओं का वर्णन है। सही उत्तर है कृष्ण कौमुदी। अगला प्रश्न, घनानंद के प्रेम वर्णन में कौन सी विशेषता नहीं है। सही उत्तर है उभय पक्षीय प्रेम। अगला प्रश्न, घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। सही उत्तर है सुजान सागर।